ये देख रहा, ये देखो लूट रहा है किसी का। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज मैं आया हूँ पबजी के साथ। बहुत टाइम हो गया वॉच डॉग और इसके साथ जी देखा, तो आज हम खेलने आए हैं पबजी। तो ये पबजी का पहला मैच है, काफ़ी दिनों बाद चला है पबजी पीसी का। तो इसमें हैर उतरा, मैं यहाँ पे देखा कोई आसपास नहीं था, अच्छे से अपनी जो अभी था सामान वामान जो लूटना था लूट लिया, लूट लूट के यहाँ से बस आगे की तरफ बढ़ने लगा। जी इससे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वन क्या दिखा रहे हैं। तो भाई इसके बाद मैं इस जगह यहाँ से लगातार फायरिंग और थी देखने के लिए, फायर कहाँ से आ रहा है। तो तब ये बंदा दिखा, काफ़ी दूर था, आपको पता ही नहीं था ना, तो अपने पास स्नाइपर थी और ना अपनी स्नाइपर इतनी तगड़ी है कि ऐसे लग जाती। तो ये बंदा जा गया भाई, छुप गया और दोबारा भाई ये मिला ही नहीं मेरे को पूरे मैच में। कहाँ गया, कौन सी ज़मीन में घुस गया, कहाँ गया पता नहीं मुझे। फिर वो बंदा भाई मिला नहीं, फिर चलते चलते मैं फिर यहाँ पर आ गया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने फास्ट फॉरवर्ड। और अब देखना भाई ये बंदा, भाई साहब इस बंदे को पता ही नहीं चला कि मैं इसके आसपास में कुछ हूँ, ये अपनी मस्ती में जा रहा था। तो यहाँ मैंने दो तीन बड़े डैमेज तो दिया, पर इसने भर के जट वापस से डैमेज दिया ना भाई। पूछो एक बार तो मैंने सोचा हेड लगा लूँ, तो वापस निकला ही इतने में, इस बार मैंने इसे कर दिया काम तमाम। पर भाई इस बंदे का एम बड़ा तगड़ा था, जो उसने डैमेज दिया ना रिटर्न में पीछे से पलट के, मतलब तुरंत वो भाई साहब लाजवाब था देखने लायक। फिर मैं इस कंपाउंड में आया, सोचा अपनी थोड़ी हेल्थ लगा लूँ क्योंकि इस बंदे ने डैमेज बहुत दिया था। और आपने यार एक चीज़ गौर की, अभी तक पूरे मैच में मेरे को हेलमेट नहीं मिला, मतलब बिना हेलमेट ले रहा हूँ तभी यहाँ पे आया मैं। एक बंदे ये भी अपनी मस्ती में जा रहा था, और ऐसे भी फायर करके मैंने बता दिया भाई कि मैं हूँ। मैं फिर से मैं पेड़ के कवर में था, फिर देख रहा था निकले भाई निकले कहीं से पिकते। बस और ये बंदा भाई साहब रुका हुआ था, पर फिर इसने पिक दी जैसे भी शायद जल्द ज़्यादा किल करने की भूख थी कि मैच जीते। और अब देखिए ये निकला, ये दो बुलेट पड़े यार, बंदा फिर वापस घुस गया। तो कभी भी यार पीसी में क्या आता है, मोबाइल में भी होता है, रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है, सारा एम ऊपर जाता है। और ये बंदा पेड़ के कवर में, ये पौधा गमला जो भी है इसके पीछे से बंदे ने मारने सोची थी, बस एकदम बिल्कुल परफेक्ट हेडशॉट लगा था शायद। उसके बाद फिर यहाँ आया घूमते फिरते, लगा था अभी तक मुझे हेलमेट नहीं मिला कहीं पे। मैंने चर्च वर्च जो भी होते हैं ट्रम्प सट्र सब छान लिया, मुझे अभी तक है पूरे मैच में हेलमेट नहीं मिला। मुझे यही लग रहा था किसी का एक शॉट पड़ गया तो गेम ये ख़त्म मेरा। इस थोड़ा फटाफट यहाँ से मैं देखा कहीं मिल जाए बढ़िया जीवन। यहाँ पे अपने गए कार 98 मिनी 14 क्या कहते हैं, स्नैपिंग मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसका मैंने इसका मतलब अपने से हो जाती है इससे, बाकी जो और गन है एक यहाँ जो मीडियम रेंज ही है ना गन है, सॉरी ऐसे यार लगती नहीं है इतना रिकॉइल क्यों होता है, एम बैठता ही नहीं है। तो मैं हेलमेट अभी भी ढूंढ रहा था, मुझे हेलमेट नहीं मिला, पर मुझे उम्मीद थी इस जगह मेरे को मिल जाएगा। तो रुका मैं ढूंढा अच्छे से, पर तो बाहर के साइड भी हेलमेट ही थी, खराब किस्मत थी मेरी। फिर अंदर आया मैं और यहाँ भी कुछ नहीं मिला, जब ढूंढ रहा हूँ अभी तक मेरे को मिला ही नहीं था। फिर मैं और ढूंढा और ढूंढा दोस्तों दोस्त यहाँ आया, देख रहा हूँ अभी तक हेलमेट मिला ये, और ये यहाँ फाइनली मुझे जाके हेलमेट मिला था पूरे मैच में, जब पूरा 33 बंदे बच रहे हो तब। और यहाँ को सर्वाइवल पॉइंट भी मिल गए थे मेरे को अपने, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खेल रहे होते, दूर आया नहीं ना मैं कभी, मतलब पहले आया हुआ काफ़ी टाइम बाद खेलता, तो रैंकिंग गिर जाती है ना शायद, तो इसके चक्कर में। इसके बाद यहाँ अपने को ढूंढ रहा था भाई, कोई बंदा मिले नहीं क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास अपने, सारे बस भागा पैदल 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 पैदल, देख रहे हो कितना इससे मैंने काट दिया उन्होंने, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तेज, वरना कहते भाई क्या है पूरे मैच में पैदल पैदल घूम रहा है। ज़्यादातर मैं डूब ही लगाता हूँ यार, स्क्वाड अपने पास है नहीं जो रेगुलर खेल सके, और जो रैंडम प्लेयर होते हैं वो सारे सुनते नहीं हैं, वो अपनी धुन में ही चलते रहते हैं। देख रहे हो मेरे घर वर सब छान मारा अच्छे से, ये देखो रेड जोन हो गया, ऐसे तो रेड जोन से बचने के लिए यहाँ के बैठ जाओ कंपाउंड में, थोड़ा अपनी हेल्थ वेल्थ रिकवर कर लो। तो भाई देखो एक और आया, ये भी बेचारा रेड जोन से बचता हुआ लग रहा है। चलो जी आए राम तोता राम गए राम, ये भी भाई साहब आते साथ चले गए। बस मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी शायद नहीं पता चल रही होगी, यह है पता चल रही होगी बीच में पट पट की फायरिंग की आवाज़ भी आ रही है। अरे अभी मेरा ध्यान यहाँ पे था, तो रेड जोन के चक्कर में पता ही नहीं चला फायरिंग हो कहाँ से रही है। तो फिलहाल मैं ऐसे
लूटा अच्छा से जो भी इस पर लेने लायक सामान था। यहाँ पे एक तो बैग मेरे पे छोटा था, उसके चक्कर में ज़्यादा चीज़ें मैं कैरी नहीं कर पा रहा था। देखो ये बिल्कुल मैं सर पे आ कर फटा, बस अगर अंदर था तो इससे मेरे को डैमेज नहीं हुआ। तो फाइनली रेडियन ख़त्म हो गया, बाहर चला गया क्योंकि यहाँ से फायरिंग आई थी, इसी जगह देखने आया कि बंदा है कहाँ। और मैं बताऊँ भाई इतनी गंदी गन है मेरे पर, ना कोई स्कोप, फिर मेरे को वापस जाना पड़ा क्योंकि मेरे पे स्कोप था। यहाँ पे गलती में से गन चेंज हो गई थी, उससे मेरा स्कोप भी गिर गया था। तो वहाँ से मैं दोबारा लेके आया इस जगह पे देखने के लिए कि ये बंदा है लगनते है कहाँ। तो यहाँ तो फिर मुझे कोई नहीं मिला यार अपना। फिर देखो ये बंदा यहाँ मेरे को दिखा, ये भाग तो जाता सबसे पास जाके मारूंगा, पर यहाँ इनने देख लिया था मेरे को और ये बचने लगा था। लगा मार इसी फायरिंग की भाई, बंदे को एक गोली नहीं लगी। तो एक बार मैं एक दूसरी बार दो बुलेट लगी, फिर मैगजीन का था। तो भाई इस टाइम पर तो लग गया था भाई, अब तक गया क्योंकि भाई इस बंदे का अभी भी नहीं मरा, देख रहे हो। और कितनी आधे ज़्यादा मेरी हेल्थ खा गया। फिर मैं सोचा पहले कवर में आया था फिर से मारूंगा, क्योंकि भाई ये एक दो गोली मार दिया। और बंदे ने रोटेट कब किया यहाँ से कब आया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, कितनी जल्दी इस बंदे ने पोजिशन चेंज किया, मैं गलत खड़ा था, आई डोंट नो। फिर फाइनली यहाँ पर जाके बंदा मरा है, इसे भी कवर में जाके पहले हेल्थ लगा लेनी चाहिए क्योंकि इसकी भी डाउन थी, क्योंकि एक बुलेट में मर गया ये। चलो अपना काम तो हो गया यहाँ से, पहले अपनी हेल्थ रिकवर की मतलब, और फिर देखा उस पर अपने वहाँ का जो था अपना जो स्टिक लगा लेके चल दिए। और भाई यहाँ हो गई गड़बड़, क्योंकि यहाँ बैठ गया मैं, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरे फोन कॉल आ गई थी एक, उसके चक्कर में वो मैच छोड़ना पड़ा। और जब मैं यहाँ पे वापस आया था तो 3 से 4 मिनट हो गए थे आई थी वहीं यहाँ से। जब वापस आया तो भाई यहाँ पे आ गया था, और आ गया था जॉन, ब्लू जॉन, रेड जॉन नहीं ब्लू जॉन। और इससे भागने के लिए भाई मेरे पे ना तो गाड़ी थी और ना कुछ। तो ये देख रहे हो अभी मैं इस टाइम पे वापस आया था, देखा जो आ गया भाग रहा। और ये बंदा कमीना बंदा तो नहीं, कहाँ छुपा हुआ बैठा था, वेट कर रहा था तरीके से। तो भाई जब तक जो उसका डायमंड ले के आया था उसने फिनिश ही कर दिया। मतलब इसका हम अच्छा था ना, लेटर में भी देख लिया, पर मेरा थोड़ा तो पता ये ख़राब है यार। फिर भाई गुस्सा आया, मैंने एक और मैच लगाया कि उसमें तो अच्छी कंटेनर मिले, इसमें ट्राई करते हैं। और भाई इस मैच में इतना अच्छा स्वागत हुआ मेरा, पहले मैं अच्छे से जगह उतरा यहाँ पे पूरी मेहनत के साथ। जो भी लूटना था, खैर मुझे यहाँ कुछ खास लूट तो मिली नहीं, बस एक तवा और एक शॉर्ट गन मिली थी। और इसके बाद ही कुछ और ढूंढ पाता, मैं आ गया यहाँ बाहर ऊपर से देख दाख के, मुझे कुछ मिला ही नहीं अच्छा था। तो मैं कूद गया बाहर और यहाँ बैठी एक बंदा फुदक तो दिखा, मैं चलो ये फुदक रहा ना, मैं चलो यहाँ आएगा से चुपचाप से खाएंगे जैसे पहले खाया था। और भाई ये बंदे का क्या एम था यार, दो गोली मारी बंदे ने और ख़त्म। वही चक्कर में फिर मैं और गुस्सा, मैंने एक और मैच लगाया, तीसरा मैच। ये मैच भाई बेस्ट था, बेस्ट क्यों कह रहा हूँ उसे देखो, क्योंकि इसमें भाई किल भी सही निकल गए थे, मतलब एवरेज जो होते हैं मेरे थोड़े बहुत ही, ज़्यादा नहीं है, वो फाइनली निकाल लिए थे मैंने। और ऐसे ऐसे बंदे आए पता ही नहीं चला कौन कहाँ से आ रहा था। ये वीडियो देखो यहाँ उतरा, फिर ये पता नहीं कौन सी जगह है, आई डोंट नो, ये छोटी छोटी जगह होती, इनके नाम तो पता नहीं होते, नहीं होते नहीं मेरे को। यहाँ देखा ये इससे काटो अपना जो भी गन वन मिल रही थी, यहाँ कार 98 मिल गई थी मेरे को एक, इससे मैंने किल किया वो, शायद आपने थंबनेल में शायद समझ गए, मैं थंबनेल देख के देखा होगा। बनने से देख रहे इस टाइम पे फिर मेरा फ़ोन बज गया था, मेरा फ़ोन यार बहुत मतलब समझ रहे हो क्या बता सकता हूँ, डिस्टर्ब करता है मेरे को, डिस्टर्ब नहीं काम होता देखना पड़ता है यार। तो यहाँ मेरे को एक एम भी मिल गई थी, दोनों मेरे को 7.2 mm वाली कर दी, एक लॉन्ग के लिए और एक मीडियम फॉर। तो मैं देख रहा था भाई और कोई ढंग की गन, मतलब मेरे को 5.6 मिलती है तो रख लेता हूँ, क्योंकि मैच के मैं पता नहीं क्योंकि कब कौन सी गन की चोट पड़ जाए कि एमो ना हो। और वैसे भी 7.2 की जो है बहुत ज़्यादा जगह हिटती है यहाँ तक ख्याल है। तो यहाँ देख रहे बंदा ही बोल रहा है यार, इसका बड़ा धूप है मेरे को, इतनी हत्ता आ रहा है ऐसे। मेरे साथ भी होता था मैच में यार, जब उतरते थे गन मिलती नहीं थी, बंदे पीछे पड़ जाते मैच, पता इतना लंबा पीछे कर करके पीछे पड़ जाते, सारे ज़्यादा मार के जाते नहीं थे, सारे छोड़ते नहीं थे। 2-4 बार हुआ है मेरे साथ ऐसे पबजी मोबाइल में, गन मिली नहीं और बंदा पीछे लग गया, फिर भागो 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 पूरे मैच में भागो। और फिर यहाँ आया, यहाँ पर अपना जो है सो मार के लूट लाट करके जो भी ले रहा था, देख रहे हो ये देखो कोई बंदा नहीं है बिल्कुल सुना। और यहीं तभी यहाँ पर भाई फायरिंग में पीछे से पता नहीं क्या बंदा था, ऐसे देख रहा था मैं हेल्थ लगा लूँ, तभी भाई देख रहे इसकी आवाज़ आने लगी, हेल्थ मैंने कैंसिल की, देख रहा था बंदा है कहाँ।
इधर दिखा नहीं मेरे तो पीछे को वो भाई ये बंदा मतलब कब आया कुछ पता नहीं चला मेरे को। वैसे मैंने आगे ढूंढ रहा था ना बंदा, पता नहीं कहाँ से निकल के आया इतनी जल्दी वो भी, मेरे तो समझ में नहीं आया। फिर अंदर आया मैं, पहले अपनी मेरी हेल्थ वगैरह जरूरी थी, मेरी हेल्थ आधी तो मोस्टली ही गया था, यहाँ खिड़की पटक गया था मैं थोड़ा, यहाँ से निकलना ही है अपना, देखा से जो भी लेता ना देखा कोई बात, तभी यहाँ देख मैंने देखो गाड़ी की आवाज़ शायद आपको आई उधर, मेरे को आई इधर बंदा उतरा, मैं सोचा यहाँ थोड़ा रुक के से स्नाइपिंग करके देखते स्नाइपर से मारेंगे अच्छे से, खाने टेंट हार के दी। फिर बनते कि ऐसा मूवमेंट बड़ी फास्ट हो रही थी, देख रहे हो शायद अब ये देखो उधर से निकल गया, जब तक मैं सेट करूँ तो ये देखो फिर भाग गया। इस बंदे ने इस बंदे में सब लोग घात लगा के रख रहे, घात लगा के हमला किया उस हिसाब से करने की सोच रहा था मैं। अब देखो बंदा ये खड़के से कूद गया, इतने मारता फिर भाग गया, तो मैं सोचा क्यों नहीं यार ये दूर से नहीं बनेगा थोड़ा पास जाते हैं, तो इसके शायद हेडफोन ख़राब थे क्या थे, बिल्कुल दबे पाँव चल रहा था धीरे धीरे, देख रहे हो ये बंदा सामने था मेरा, फिर सोचा ऐसे मारूँ दोबारा स्नाइपर निकालूँ, पर ये बंदा इससे थोड़ा सा भागना वैसे यहाँ आएगा यहाँ से दबोच लेंगे, पर ये यहाँ नहीं आया, देख रहा मैं लग रहा था यहाँ पर नहीं आया, ये घुस गया घर में, और घर में माई से मैं इसकी आवाज़ सुन रहा था कहाँ है किस जगह से निकलेगा, तभी मेरे को पता चल रहा भाई ये इस गेट की तरफ आ रहा था, आया था मैं भी तैयार था, ये निकला ये अरे भैया देख के तो निकल लेता, और भाई मुझे पता नहीं दो गोली में कैसे मर गया, मुझे नहीं पता यार, कोई कोई होते हैं मेरे साथ मैच जिसमें बंदे एक दो बुलेट में मर जाता है, वरना तो भाई पूरी मैगजीन भी कम पड़ जाती है, डैमेज ही नहीं होता ना तो लगती नहीं। ये बंदा ऑफलाइन खड़ा था, पता नहीं क्या सोच रहा कहाँ से कहाँ कहाँ से आया, खुद ही चिंता करता है, फिर ऑफलाइन बंदे को भी तीन बुलेट लग गई मारने के लिए मेरे को, और सोच लो जो ऑनलाइन है उसे कितना लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे बैग मेरा फुल वगैरह देख रहा था कि जितना ठूस रहा था समाज में ठूस जाए, कुछ मेड किट गिरानी पड़ गई मेरे को, ड्रिंक्स वगैरह गिरानी पड़ गई, और इस पर तो कुछ खास था ही नहीं। यहाँ से मैं चला बनाया तो ये सही थोड़ा पासपोर्ट कर रहा हूँ, बंदे नहीं मिले थे मैं यहाँ, और जिस गाड़ी में आया था बंदा इसी की गाड़ी उठाई, तो मैं देख रहा था कुछ होता नहीं क्योंकि गाड़ी के पास बंदे तैनात रहते, पहले से दूर से स्नाइपर पकड़ के कि बंदा मिले आए बैठे तो मार दे। मुझे पहाड़ी देखो साइड से शायद आपको आवाज़ आई होगी, इस साइड से फायरिंग होती है, तो वही देखने में गाड़ी लेके आया था कि बंदा है कहाँ, पहले इस कंपाउंड पर घुमाई पर कंपाउंड पर मुझे कोई नहीं मिला, फिर मैं आ गया इसी पहाड़ी की तरफ ऊपर की तरफ, यहाँ आया उसमें थोड़ा ऊंचाई पर रोकता हूँ ताकि यहाँ से अच्छा व्यूज़ मिल जाता है ताकि देख सके, तभी भाई देख रहा हूँ एक कोई दिखा नहीं मेरे को, अच्छे से देख रहा था कि बंदा दिख जाए क्योंकि यहाँ से फायरिंग हुई थी और बंदे नहीं दिख रहे थे, देख रहे नहीं नहीं तभी देखो नज़र पड़ी पेड़ में, देख रहा हूँ मोली गिरी थी किसी ने हमें, तो यहाँ से ये बंदा भागता हुआ नज़र आया, भाई ये बंदा जा रहा था नीचे की तरफ, मैं समझ नहीं आया ऊपर मोली गिरी थी बंदा नीचे मारा है उसे ही लूटने जा रहा है, वहाँ आगे देख लेना क्योंकि मैंने अंदर प्ले के बाद रिकॉर्डिंग की है ना और वॉइस की है वीडियो पे, तो ये बंदा फिर नहीं दिखा मैं पता नहीं कहाँ चला गया, आया तो यही था कहीं छुपाना हो, तभी ये दिख गया देख रहा ये लूट रहा है किसी को, ये मेरा कार 98 का शॉट था पहला, पूरे पहला किल भी था, ये हेडशॉट लगा था ऐसे, ये तभी देख रहे ऐसे गाड़ी वाला निकला, ये शायद इसी से लड़ रहा था शायद कहीं से आया था, तो वैसे देखने गया कहाँ गया नहीं यहाँ रोक दी थी अपनी गाड़ी, ये थोड़ा मैंने तेज कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, पर इन बंदे ने यहाँ रोक दी गाड़ी, तो उसी में देख रहा था बंदा कहाँ ये पूरी पहाड़ी पर रुक गया था, और फायरिंग हुई थी इसे पता था मेरी पोजिशन में घूम कहाँ, लेकिन मुझे भी इसकी कुछ कुछ अंदाजा था कि ऊपर की साइड पर रुका है बंदा, तो वही देखने के लिए हम दोनों रुके थे वो नहीं आया, फिर मैं आगे निकला, फिर जो उम्मीद थी बंदा मेरे को था नहीं झोपड़े टाइप की इसके पीछे आसपास होगा कहीं, तो वही मैं इधर देख रहा था वहाँ मेरे को बंदा दिखा नहीं, और तभी भाई साहब देखना ये बंदा ऊपर से कब नीचे आया पता नहीं, ये देखो यहाँ नहीं मिला मेरे को, वो उम्मीद थी यहीं हो तभी ये दिखा जब गोलियाँ पड़ी तब मेरे को पता चला बंदा है, यहाँ तक भी नहीं पता था बंदा से फायर कहाँ से आया, इसलिए पहले मैं कवर में आया देखने के लिए बंदा है कहाँ, हेल्थ वेल्थ नहीं लगा इन्होंने, ये आसपास ही था इसकी आवाज़ बहुत फुट पे बहुत तैयार थे, तभी ये बंदा इस साइड पर देखा लेफ्ट साइड पे, वही मैं देख रहा था कहाँ कहाँ, तो भाई ये भी बंदा मुझे नहीं पता कैसे वाले से भी सारे हेडशॉट लगे बैरल के, तो दो गोली मर गया, और ये इस बैच का भाई छठा किला है मेरा, वैसे आमतौर पर एक दो ही होते हैं सॉरी ज़्यादा हुए तो तीन हो गए, पर मेरे को अभी तक डाउट था, मेरे को लग रहा था दूसरा बंदा था, दो बंदे टीममेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक नेट उस साइड फेंका ताकि वहाँ जो बंदा
वो थोड़ा हट जाए, पर वहाँ पर बंदा था ही नहीं, क्योंकि वो यही बंदा था नहीं। तो इस लूट जो लेना था, जो सामान काम का था लिया है। और देखो सिर्फ 17 बंदे हैं लाइव में इस मैच में, लग रहा था शायद टिकट देना मिल जाए। इस मैच में भाई उम्मीद वेस्ट ही थी, देख रहे गाड़ी गाड़ी में जो बहुत अच्छा से घर आता सर्वाइवल पॉइंट पर मिल जाए मेरे को अच्छे से। फिलहाल मुझे तो वहाँ कोई बंदा नहीं मिला, तो मैं घूमते फिरते आ गया भाई इस जगह, इस चोटियों पे पहाड़ की, ताकि यहाँ से अच्छा व्यूज मिल जाए। यहाँ पे मैंने स्नाइपर निकाली और जो भी था दूर दूर तक सड़क दिख नहीं रहा अच्छे से कि कोई हो तो यहाँ से किल कर सके, पर मुझे भाई कोई हाथ दिखा नहीं। और एक गलती भी हो गई मेरे से यहाँ से, यहाँ पे गलती क्या थी, गलती ये थी ओपन में स्नाइपिंग करना। यहाँ पे कोई प्रो प्लेयर होता था भाई, अभी देखना क्या कोई प्रो प्लेयर मर गया किसी ने मार दिया। यहाँ कोई प्रो प्लेयर होता था वैसे वो छुपा रहा, कोई कंपाउंड हो रहा था। अच्छा था सर, चलता चलता टाटा बाय बाय लाइक शेयर।